कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के चलते रनवे को 1300 से 3000 मीटर तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है, जिसके चलते रनवे गग्गल चौक को क्रॉस करके इच्छी तक जाएगा। इसके लिए एक सप्ताह में जिला प्रशासन 3 प्रपोजल तैयार करेगा। यही नहीं, एयरपोर्ट के साथ लगते एनएच की रीअलाइनमेंट भी की जाएगी। इसी को लेकर बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल रहे। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा, कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की योजना चल रही है, जिसमें रनवे को 1300 मीटर से 3000 मीटर तक बढ़ाया जाना है, जिसके चलते नेशनल हाईवे पठानकोट मंडी की अलाइनमेंट को भी तेज करने की जरूरत होगी। आने वाले एक सप्ताह में ऐसे 3 प्रपोजल तैयार किए जाएंगे और एयरपोर्ट के साथ लगते एनएच के हिस्से की रीअलाइनमेंट को स्टडी किया जाएगा और सरकार को यह प्रपोजल भेजा जाएगा। एयरपोर्ट का रनवे विस्तार के चलते गग्गल चौक को क्रॉस करके इच्छी तक जाएगा। ऐसे में एयर स्ट्रिप के विस्तार के चलते एनएच की अलाइनमेंट चेंज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या प्रपोजल हो सकता है, इसको लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर भूमि अधिग्रहण संबंधी सरकार की ओर से एक रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसे प्रशासन ने बनाकर सरकार को भेज दिया है। और जैसा कि आपको पता है कि जो एयरपोर्ट का एक्सपेंशन का प्लान चला हुआ है और इसमें 1300 मीटर से ये 3000 मीटर तक का जो रनवे है वो एक्सपेंड होने वाला है, और इस वजह से जो नेशनल हाईवे है जो पठानकोट से कांगड़ा की तरफ जाता है, उसका जो अलाइनमेंट है उसको चेंज करने की आवश्यकता होगी। और उसी संबंध में आज एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के, हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी के और हमारे जो रेवेन्यू के ऑफिशल्स हैं वो आए हुए थे, और आने वाले एक हफ्ते में हम लगभग 3 ऐसे प्रपोजल्स तैयार करेंगे, जिसमें नेशनल हाईवे का वो पैच जो एयरपोर्ट के आसपास से गुजरता है उसकी जो रीअलाइनमेंट है उसको स्टडी किया जाएगा और गवर्नमेंट को ये जो प्रपोजल है अगले एक हफ्ते में भेजा जाएगा। देखिए, अभी तक 1300 मीटर था ये, और अब ये 3000 मीटर तक जाएगा और ये गग्गल चौक को क्रॉस करते हुए इच्छी तक पहुँच रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो नेशनल हाईवे है उसका बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो प्रपोज्ड एयर स्ट्रिप जो है, एक्सपेंडेड जो एयर स्ट्रिप है उसके अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए जो नेशनल हाईवे का अलाइनमेंट है उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और उसका क्या प्रपोजल हो सकता है उसके बारे में आज चर्चा की गई है। देखिए, इसके बारे में सरकार के माध्यम से हमको एक रिपोर्ट हमारे से मांगी गई थी, और जो एक्सपेंडेड जो 3000 मीटर का जो एयर स्ट्रिप है उसके अंतर्गत जो भी ज़मीन आती है, जो भी उसमें बिल्डिंग्स आती हैं, उसमें क्या कॉस्ट लगेगा और उसमें नेशनल हाईवे का कितना पोर्शन आएगा, ये जो सारा प्रपोजल है ये गवर्नमेंट को भेजा जा चुका है। और अब नेशनल हाईवे के जो अलाइनमेंट है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। जब ये प्रपोजल भी गवर्नमेंट के पास चला जाएगा तो उसके बाद सरकार के स्तर पर ये निर्णय होगा, और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है उसको जारी रखी जाएगी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए धर्मशाला से राजेश कुमार।